बिहार की राजधानी पटना में आगामी 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के विकास पर मंथन होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होने वाली है। बिहार में परिषद की यह बैठक 5वीं बार होगी। इसके पूर्व वर्ष 1958, 1963, 1985 और 2015 में पटना में ये बैठक हो चुकी है। इस मंथन में सभी राज्य अपनी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर बातों को रखेंगे। पूर्व क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसमें शामिल होने वाले हैं। राज्य में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर गृह विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग के अपर सचिव अनिमेश पांडे ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को बैठक के ड्राफ्ट एजेंडा पर सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बिहार सरकार के वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग व अन्य विभागों को जिम्मा दिया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के पिछली यानी 25वीं बैठक साल 2022 में कोलकाता में आयोजित हुई थी। इस बैठक से नीतीश कुमार ने किनारा कर दिया था। उन्होंने अपनी जगह तेजस्वी यादव को भेजा था। इस पर राजनीति भी हुई थी। चर्चा उठी थी कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और बैठकों से किनारा कर रहे हैं। पिछली बैठक में गति शक्ति योजना के तहत राज्यों की हिस्सेदारी, नक्सलवाद के समापन, नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग सहित अन्य लंबित मुद्दों पर विमर्श किया गया था। वही इसी साल जून महीने में 17 तारीख को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने की थी। इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।